नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पीसी में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि योर क्लॉक इज बिहाइंड, इससे आप नेट नहीं चला पा रहे हैं, बाकी और भी कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, और आपने उसकी बैटरी भी चेंज कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी नहीं हो पा रहा है, बार बार आप सेटिंग करते हैं और बार बार टाइम जो है पीछे चला जाता है, तो उसके सेटिंग के लिए आपको क्या करना है? एक तो उसकी बैटरी बदलनी है, उसके बाद इसके बायोस सेटअप चेंज करना है, सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो एक सेटिंग और करनी है विंडोज़ ओपन होने के बाद, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बात देख सकते हैं जो रिटर्न टाइम यहाँ पर है वो बहुत पीछे का है, 2003 का है। ठीक है, चलिए चल के दिखाते हैं पीछे वाला रिटर्न टाइम है, इसको अभी हम ठीक करेंगे। बड़े बार बार पीछे चला जाता है। ठीक है, तो उसका सेटिंग कैसे करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जून 2003 का है, 5 जून का डेट दिखा रहा है जो कि सही नहीं है। आज का डेट है 2 जुलाई 2020। तो चलिए इसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस सब को हम काट देते हैं। कटने के बाद आपको रन कमांड ओपन करना है विंडोज़ आर प्रेस करके। ठीक है, इसे रन कमांड ओपन होता है, वहाँ पर एक आपको टाइप करना है सर्विसेज का एक कमांड टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ services.msc। देखिए services.acrvics.msc ये टाइप करना है, टाइप करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, चले चलते हैं डायलॉग बॉक्स में, चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या सेटिंग आपको करना है, जिससे कि आपका टाइम डेट एकदम ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन मिलेंगे उसके नीचे आपको ढूंढना है विंडोज़ टाइम, सबसे नीचे आ जाना है ट्रैक करते हुए, चलते हैं कहीं और कुछ छटकड़ नहीं करना है, आपको सीधे विंडोज़ टाइम पे जाना है। डब्ल्यू की लिस्ट में यहाँ पर नीचे आएगा विंडोज़ टाइम। यहाँ पर ये सेटिंग बहुत कुछ सेटिंग होती है यहाँ पर, तो सिस्टम बिगड़ता है, उस बाद में बताते रहेंगे, आज बताते हैं टाइम के बारे में, डेट एंड टाइम। तो विंडोज़ टाइम पर जब क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में पैनल खुलेगा, यहाँ पर स्टॉप रीस्टार्ट लिखा है, किसी किसी का सिर्फ स्टार्ट लिखा होगा, तो आपको एक बार स्टार्ट करना है या रीस्टार्ट होगा तो रीस्टार्ट कर देना। ठीक, कुछ देर प्रोसेस चलेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद आपको डेट एंड टाइम को सही करना है। चलिए डेट एंड टाइम को अब सही करते हैं। तो आज का जो डेट एंड टाइम है, डेट और टाइम वो हम डालेंगे। ये स्टेप बाई स्टेप करना है, पहले रीस्टार्ट या खाली स्टार्ट लिख के स्टार्ट करना है, उसके बाद डेट एंड टाइम को सही करना है, फिर से एक बार रीस्टार्ट करना है। तो आज का डेट हम डाल देते हैं 2020 और जुलाई सेकंड है, आज जुलाई सेकंड डाल देते हैं, और अभी 6:55 हो रहे हैं, तो यहाँ पर डेट भी ठीक हो गया, तो टाइम भी ठीक कर देते हैं, 6:55 PM है, शाम का टाइम है, तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक बार रिस्टार्ट करना है। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, अब टाइम चेंज हो चुका है, यहाँ पर दिखा देते हैं माउस से, ले जाएंगे तो यहाँ पर टाइम दिखेगा जुलाई 2 सकते हैं। ठीक है, जुलाई 2 2020। ठीक, अब आपको ये सब करने के बाद आपको एक बार फिर से रिस्टार्ट पर क्लिक करना है। अगर सिंगल टाइम स्टार्ट होगा उसके बाद एक बार रिस्टार्ट करेंगे तो स्टॉप और रिस्टार्ट आता है, फिर रिस्टार्ट पे एक बार क्लिक करना है। स्टार्ट क्लिक करने के बाद 1 सेकंड 2 सेकंड की प्रोसेसिंग चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और थोड़ा काम करना है, विंडोज़ टाइम के ऊपर आकर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पर चेक करना है कि हमारा स्टार्टअप जो टाइप है वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। जैसे मान लो मैनुअल है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक करना है, कभी पर मैनुअल होगा तो भी यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको कर देना है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ से स्टार्टअप टाइप को सिलेक्ट करना है ऑटोमेटिक पे, तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक कर लेते हैं, करके अप्लाई करके ओके कर देना है, उसके बाद ये टाइम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपका पीसी का टाइम कभी भी गड़बड़ी नहीं होगा, जब तक आपकी पीसी की बायोस की जो बैटरी है वो वीक ना हो जाए तब तक ये बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके सबका जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, अभी ये गूगल खुला नहीं था टाइम की वजह से, अब ये खुल जाएगा, एंटर किया है क्योंकि इसके डेट एंड टाइम अभी ठीक कर दिया है, करने के बाद ये अभी गूगल खोल के सामने आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी नेट थोड़ी सी स्लो चल रहा है, आज मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करो, इसी स्क्रीन रिकॉर्ड में कर नहीं पाया हूँ, इसी कारण से इस पीसी में कर नहीं पाया हूँ, लैपटॉप मेरे पास नहीं था। तो चलिए यहाँ पर अब ये गूगल खुल गया है, तो अब ये टाइम बिल्कुल सेट हो गया, इसलिए ये नेट चलेगा, सब कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पीसी के डेट एंड टाइम सेटिंग अप कर सकते हैं अगर आपके टाइम ख़राब है या टाइम आपको सही नहीं दिखा रहा है। ठीक है।